नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप एमएससी फिजिक्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। यहाँ पर आज हम ऐसे पांच एग्ज़ाम के नाम जानेंगे जिनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए यदि आप बीएससी अभी पास आउट हो रहे हैं तो, और इनके लिए आपको ट्राई भी करना चाहिए। यहाँ से एमएससी करने के बाद आपका करियर 100% ब्राइट होगा और आप फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। पहला है आईआरटी जेम, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। यहाँ से आप आईआरटीज के थ्रू एमएससी कर सकते हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पर, आपका क्या रैंक है उसके आधार पर यहाँ पर आपको आईआरटीज मिलती हैं। यह अपना 10 फरवरी को एग्ज़ाम होता है, तो आपको इसके लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दूसरा है जेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। यह इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंट्रू बेस्ट होता है, इसके लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए। थर्ड TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यह भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, इसके लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको एमएससी के दौरान स्कॉलरशिप भी मिलती हैं पर मंथ, तो यह आपके लिए एक यहाँ पर एडवांस और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसका सिलेक्शन भी इंटरव्यू बेस्ट होता है, तो यहाँ पर आपकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है CUSET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ से आप कम फीस में एमएससी कर सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी प्लस बीएड भी कर सकते हैं, और यह भी काफ़ी अच्छी जगह है। लास्ट है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यह तो हम जानते ही हैं, एक प्रकार से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप में, तो ऐसी जगह हम जाते हैं एमएससी करने के लिए, तो फिर उसका तो कहना ही क्या है। फाइनली आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। अन्य जानकारी हम फुल डिटेल में अन्य वीडियो में प्राप्त करेंगे, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।